नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल, आप देख रहे हैं ओपन चैनल 24 न्यूज। और इस वक्त की एक बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। चतर सिंह रछोया वो नाम है जिन्होंने हमेशा से समाज हित के लिए आवाज उठाई, जिन्होंने गरीबों के लिए आवाज उठाई और हमेशा से उन्होंने हर समाज, हर व्यक्ति को मदद करने के लिए आगे से आगे कदम बढ़ाकर लोगों की मदद की। आज वो सड़क पर उतरे हैं, किस लिए उतरे हैं, मोदी जी का बैनर लेके आज वो क्या संदेश पब्लिक को देना चाहते हैं, देशवासियों तक अपनी क्या बात पहुंचाना चाहते हैं, आज उनसे बात करते हैं। सर, आज क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम चाहते हैं, विपक्ष लोग बोल रहे हैं कि भाई मोदी जी का परिवार है, हम मोदी जी का परिवार, अगर हम नहीं होते तो क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाते? परिवार ही तो बनाता है। आप टिकट लेके आओ तो आपको कौन जिताएगा? परिवार ही नहीं तो जिताएगा? तो ये अपमानित बात है, प्रताड़ित करना है कि तुम्हारा परिवार नहीं है, ये नहीं है। हम हैं मोदी के परिवार के लोग और अब की बार 400 पार का हमारा नारा है। आपने देखा है, सब लोग, हम गरीब समाज के लोग हैं, जय कॉलोनी के निवासी हैं और मोदी जी का हम प्रचार कर रहे हैं और हम लोगों को बता रहे हैं हम मोदी जी के परिवार के लोग हैं और अब की बार 400 पार। और हमारा जो उम्मीदवार है वो कमल का फूल है, यही प्रचार कर रहे हैं सब लोग, गरीब समाज के, मोदी जी के परिवार के लोग हैं। आखिर मोदी जी का परिवार आप हैं, ये साबित करने के लिए सड़क पर ही क्यों करना पड़ा? साबित क्या करना है, अगर हम लोग प्रचार नहीं करेंगे तो पता कैसे लगा कि हम मोदी जी का परिवार के लोग? हमें बताना तो पड़ेगा ना। वो लोग क्यों कह रहे हैं जी ये मोदी का परिवार नहीं है, उनको कहाँ जरूरत है बोलने की? क्या बोलना चाहिए था उनको? तो उनका जो जवाब है वो यही है कि लोगों के अंदर बताना कि हम हैं मोदी के परिवार। आपकी बार मोदी सरकार ने जो योजनाएं निकाली हैं गरीब जनता के लिए, राशन और काफी जो चीजें, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 80 करोड़ लोगों को, कोई किसी भी देश के कोने में हो उसे राशन मिल रहा है और विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट राशन मिल रहा है। गर्व की बात है, ऐसा कभी नहीं हुआ देश के अंदर। और अगर मोदी सरकार दोबारा से आती है, आपकी बात भी, तो आपको क्या लगता है क्या योजनाएं और लोगों के लिए आने वाली है? भाई गरीब बेरोजगार आदमी जो है लोन ले पा रहा है, मोदी जी उसको में गारंटी दे रहे हैं, विदाउट एनी गारंटी, मोदी गारंटी पे लोगों को लोन मिल रहा है। सर, खुशी की बात, युवाओं के लिए लोन मिल रहा है, बेरोजगारी जो है, कितने करोड़ लोगों को नौकरियां मिल चुकी है, आपको सब डाटा याद है, नहीं तो आप हमारे ऑफिस में आना, मैं डिटेल दे दूंगा। अच्छा, मोदी जी का परिवार आपको, तो हर दुख और सुख में आप मोदी जी के साथ? बिल्कुल साथ। अगर सरकार नहीं आती तो? तब भी हम तो सारे, हमारा परिवार है, वो परिवार कहाँ जाएगा? और अगर आप जैसे सड़कों पर उतरे हैं, परिवार अपने आप को बता रहे हैं, अगर आप पर भी किसी तरह के कोई इल्जाम एलिगेशन लगे थे? झूठे केस तो लगाते ही रहते हैं, लेकिन सच्चाई सामने आती है, देर लगती है। और कोई मुकदमे, बहुत सारे मुकदमे लगाए मेरे पे, वो सब बरी हो रहे हैं। आप जिस तरह से समाज की सेवा करते हैं, गरीब जनता की सेवा करते हैं, आपका क्या आगे, आपने क्या सोचा है, क्या करने वाले हो आप अपने समाज, गरीब तबके के लिए? जो हमारे उम्मीदवार हैं उनके लिए प्रचार करेंगे और जो मोदी की योजनाएं हैं वो गरीबों को बताएंगे और वो लाभ दिलाएंगे। मतलब जागरूकता अभियान आप चलाएंगे? अब्दुल रहमान नांगलोई से, 25 साल से कांग्रेस कार्यकर्ता था और अब मोदी जी के साथ हूँ। मोदी जी का परिवार है, मेरा परिवार मोदी जी के साथ है। जो लालू जी ने बात कही वो गलत है। जो 400 पार का नारा है वो मुस्लिम समाज सब मिलके और हिंदुस्तान की जनता सब मिलके और मोदी जी को जिताएंगे और जीते पड़े हैं और 400 पार लगेगा और जो मंदिर बनाया है उसके लिए हमारा स्वागत है मुस्लिम समाज का। और मैं ये चाहता हूँ, जो मोदी जी ने एक टिकट दी है केरला में मुस्लिम समाज को, इसलिए एक टिकट दिल्ली में भी दी जाए, पूर्वी दिल्ली से, तो मुस्लिम समाज पूरा एक साथ खरा 100% मोदी जी के साथ उतरेगा और आगे आने वाले विधानसभा में भी मुस्लिम वोटर बीजेपी को जिताएंगे और बीजेपी की सरकार विधानसभा में बनेगी आने वाले समय में। हमारे देश के अंदर इतनी तरक्की हुई है, इतने बढ़िया काम हुए हैं, जो विपक्ष था अब वो सारे इकट्ठे हो गए, तोर तोर इस मोदी को कैसे करें? अरे मोदी जब तक जिंदा रहेंगे ना, उसको कोई भी माँ बाप, कोई भी माई का लाल, उसको कोई हिला नहीं सकता। लेकिन हम जब तक जिएंगे मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी का प्रचार करें। विपक्ष कांगड़ आ रहा है, कह रहा कि इतना क्यों प्रचार करें? अरे क्यों करें, मोदी जी ने काम इतने कर रखे हैं और वो देश के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, है?
सब सुविधाएं देखो गरीबों के लिए, क्या मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए वो काम कर रहे हैं। किसके लिए? मोदी हमारे और हम मोदी जी के।